हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिम्स ऑफिशियल। आई एम स्वाति राजपूत, योर एसएससी टीचर, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी। हेलो डियर ऑल, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडुफन क्लासेस। Edufun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. The Battle of Plassey, यानी कि प्लासी की जो बैटल हुई थी, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So let's start students. When Aliwardi Khan died in 1756, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। देखिए स्टूडेंट, जो अली वर्दी खान थे, जो एक रूलर थे बंगाल के, तो जब उनकी डेथ हुई 1756 में, तो उसके बाद जो बंगाल के नवाब बने वो थे सिराजुद्दौला। द कंपनी वॉज वरिड अबाउट हिज पावर एंड नी ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। तो अब जो कंपनी के जो ऑफिशियर्स थे वो कहीं ना कहीं जो सिराजुद्दौला की जो पावर थी उससे उनको काफ़ी डर था, क्योंकि सिराजुद्दौला एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रूलर थे। तो सिराजुद्दौला की जगह कंपनी जो चाहती थी, कंपनी को एक ऐसे रूलर चाहिए थे जो एक पपेट रूलर हो, लाइक कठपुतली टाइप के हों, और इट मींस कंपनी के ऑफिशर्स जो कहें वो उसमें एग्री करते हों, तो इस टाइप के रूलर्स वो चाहते थे। बट सिराजुद्दौला ऐसे नहीं थे, वो जस्ट उसके अपोजिट थे। तो कंपनी चाहती थी कि एक ऐसा रूलर होना चाहिए जो उन्हें ट्रेड में कंसेशन दे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने में कोई किसी तरह की आनाकानी ना करे। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल्स बिकम द नवाब। तो इसके लिए उन्होंने, कंपनी ने कोशिश भी की, उन्होंने ट्राई किया कि सिराजुद्दौला का कोई जो राइवल्स है, यानी कि जो उसका कंपेटिटर है या उसका जो एक तरह से कहें दुश्मन है या कुछ भी है उसका, मतलब जो उसकी जगह पर आना चाहता है, तो ऐसे किसी इंसान को बंगाल का नवाब बना दिया जाए। एंड इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रिवेन्यूज। देखिए जवाब में जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने कंपनी को ये हुक्म दिया कि कंपनी उनके जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनसे दूर ही रहें, उनमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना करें, किसी तरह से टांग नहीं अड़ाएं, ठीक है। और जो कंपनी जो फोर्टिफिकेशन कर रही थी, जो अपनी किलेबंदी कर रही थी चारों तरफ से, तो उसको रोक दें, और जो उनको टैक्स पे करना है, जो ड्यूटीज़ उनको पे करनी है, वो एज इट इज़ पे करें। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक्ड द वेयर हाउस, डिजेम्ड ऑल इंग्लिश मैन एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, देन ही मार्च टू कैलकाता टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। इट मीन्स देखिए स्टूडेंट, जब दोनों ही जो पक्ष थे, यानी कि एक तरफ कंपनी थी एक तरफ नवाब्स थे, तो जब दोनों ही किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो फाइनली जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने 30,000 सोल्जर्स के साथ कासिम बाज़ार में एक फैक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की, इंग्लिश फैक्ट्री, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने 30,000 सोल्जर्स के साथ हमला कर दिया, ठीक है। नवाब की जो फौज थी, जो नवाब के जो आर्मी में थे, तो उन लोगों ने क्या किया, जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया, जो उनके गोदाम्स थे उन पे ताले लगा दिए, लॉक लगा दिए,
और ब्रिटिशर्स के मतलब अंग्रेज़ों के जो भी उनके पास वेपन्स थे, जो भी हथियार थे, उनको छीन लिया। और अंग्रेज़ों के जो शिप्स थे जिनमें ट्रेड से रिलेटेड जो भी सामान होता था, तो उन जहाज़ों को भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद जो नवाब थे उन्होंने कंपनी के जो कलकत्ता में जो उनका फोर्ट था, कलकत्ता में जो उन्होंने फोर्ट बनाया हुआ था, तो उस पर भी उन्होंने कब्ज़ा करने के लिए वो उधर की तरफ मूव कर गए। यानी कि पहले नवाब ने जो कासिम बाज़ार में उनकी फैक्ट्री थी उस पर हमला किया, उसके बाद कलकत्ता में जो उनका किला था उस पर भी अपना कब्ज़ा करने के लिए वो उधर चल पड़े। लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रेनफोर्स्ड बाय नवाब्स फ्लीट्स, प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड। इट मीन्स स्टूडेंट, देखिए जब कंपनी ने जो कलकत्ता था उसके बारे में जो खबर सुनी कि कंपनी पर सॉरी कलकत्ता में भी जो फोर्ट है उस पर नवाब ने अधिकार कर लिया है या उस पर कब्ज़ा कर लिया है, तो ये खबर सुनने के बाद मद्रास में कंपनी के जो भी ऑफिशर्स थे, तो उन ऑफिशर्स ने भी जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव उनके अंडर में उन्होंने भी अपनी जो आर्मी थी, जो अपने उनके फोर्स में जो भी लोग थे, तो उन्होंने उनको भी रवाना कर दिया। मतलब इधर से उन्होंने भी एक तरह से जो वॉर है या बैटल है उसके लिए अपनी सेना को भेज दिया। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लीड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट रजदोला एट प्लासी। देखिए फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी के मैदान में सिराजदौला के अगेंस्ट जो कंपनी की सेना थी, कंपनी की जो आर्मी थी, उसको लीड किया। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द डिफीटिंग ऑफ नवाब वाज दैट द फोर्स लीड बाय मीर जाफर, वन ऑफ सिराजदौला's कमांडर्स, नेवर फॉट द बैटल। Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddin. देखिए इस ये जो बैटल हुआ कंपनी के और सिराजुद्दौला के बीच, इसमें क्या हुआ, इसमें जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे, बट उनके जो हारने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, वो जो उसके जो सेनापति था जो मीर जाफर था, तो उसकी जो जो उसकी आर्मी थी या उसके अंडर में जो लोग थे जो इस बैटल में पार्ट लेने वाले थे सिराजुद्दौला की साइड से, उन्होंने इसमें पार्ट नहीं लिया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो सिराजुद्दौला की आर्मी थी वो कहीं वीक पड़ गई और वो हार गए, ठीक है। पर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने जो मीर जाफर था जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उससे उन्होंने क्या किया, उससे अपना हाथ मिला लिया, उसको अपने साथ में कर लिया, और उन्होंने मीर जाफर को ये लालच दिया कि जब हम सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा देंगे तो उसके बाद आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर के मन में कहीं ना कहीं ये सुनकर लालच आया, तो उन्होंने सिराजुद्दौला का साथ ना देकर कंपनी का साथ दिया, और इसी रीज़न से सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में हार गए। So student, it is the first part of the topic Battle of Plassey. We will discuss next part in our next video. Thank you for watching. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please subscribe our channel of EduFund Classes. Thank you for watching.